गाइज, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को टाइप सेटिंग या पैराग्राफ सेटिंग सिखाने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को डिजाइन बनाना भी सिखा दूंगा एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसके अंदर पैराग्राफ सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है, हमें कहीं पर स्पेस देना होता है या कहीं पर हमको टेक्स्ट नहीं चाहिए होता है, तो किस तरह से करना होता है वो हम सीखेंगे। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं कोरल की जो फाइल है वो ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, ये है मेरे पास एक लोगो जिसका नाम मैंने एग्जांपल के तौर पर ये लिया हुआ है अभी। और सपोज कीजिए कि अभी जो मैं डिजाइन बनाने जा रहा हूँ वो एक बिस्किट की कंपनी है। सो बिस्किट से रिलेटेड मेरे को यहाँ पर एक डिजाइन बनाना है। अब बिस्किट पैकेजिंग की डिजाइन का बॉक्स जब हम बनाएंगे तो हम पहले तो ऑब्जर्व करेंगे कि हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। बिस्किट बनाने के लिए हमें मिल्क की पिक्चर, काऊ की पिक्चर, व्हीट की पिक्चर, इन सब की नीड पड़ेगी और जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ले ली है। जब ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको फिर बताऊँगा कि पैराग्राफ किस तरह से सेट करते हैं। सो अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर साइज ले लेता हूँ 1.5 3.5। सो ये एक हमारा साइज आ गया है और इसका डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल के साथ, क्लिक राइट क्लिक कर दिया हमने और इसके दो डुप्लीकेट और ले लेंगे, फिर से राइट क्लिक कर दिया। अब मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जो इसकी लेंथ है वो हम मेजर करेंगे, विड्थ मेजर करेंगे और हाइट मेजर करेंगे। तो लेंथ जो है वो है हमारी 1.5 इंच, विड्थ जो है 1.5 इंच। अब इसका जो ऊपर वाला फ्लैप है वो हम ले लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। अब इसके ऊपर हम टकिंग बना देंगे ताकि ये बंद हो गए वहां से। इसका साइज ले लेंगे हम 0.5 और इसको राउंड करेंगे, यहां से शेप टूल लेंगे और एक क्लिक यहां, एक क्लिक यहां और इसको हम राउंड कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा और इसकी साइड में अब हम लेंगे पेस्टिंग हम ले लेते हैं यहां पर 0.375 यानी कि 300। इसको यहां से मिला देते हैं एंड इसके कॉर्नर हम नीचे की तरफ डाउन कर देंगे, ठीक है। एक एक सूत ये नीचे की तरफ डाउन हो गए हैं। अब हम इसके ये बंद करने वाले भी बना लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा रख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं, डबल क्लिक एरो से अंदर कर लेते हैं, इसको भी अंदर कर देते हैं एंड इसको भी राइट, इसको हल्का सा अंदर, इसको हम 1 mm अंदर कर देते हैं, ठीक है मैम। इसका डुप्लीकेट, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया डुप्लीकेट, इसको मिला देंगे, इसको हम घुमा लेते हैं, इसको भी हम घुमा लेते हैं। सो अब हमारे पास ये एग्जाम्पल के लिए एक की लाइन है। अब हमें इसके अंदर डिजाइन बनाना है। ये हम लोगो ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब लोगो मैं रखता हूँ ऊपर से 1 इंच नीचे रख लेता हूँ, अपना स्पेस देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लोगो की प्लेसमेंट कर देता हूँ। यहाँ फिल कर लेते हैं 1 इंच, शिफ्ट के साथ पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया एंड टी, एरो की थोड़ा ज्यादा हो गया तो कंट्रोल के साथ एरो की दोबारा, ठीक है। ये हमारा लोगो आ गया है। अब कलर देख लेते हैं, हमें इसके अंदर कलर कैसा लेना है। रेड कलर नहीं ले सकते क्योंकि लोगो हमारा रेड है, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर यूज कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ ऊपर कर लिया हमने पेज अप, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ ब्लू की शेड और डाल दूँ,
यहाँ क्लिक कर लेंगे एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कलर को लेंगे एंड सियान 70% सियान, थोड़ा सा और देखते हैं सियान को, 100 F 60 40 करते हैं, हाँ 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब हम अपना टेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या टेक्स्ट है यहाँ पे। सो रिच टेस्टी बिस्किट, इसका प्लेसमेंट देखते हैं हम, ठीक है। शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लेंगे, सी कंट्रोल के इसको हमने ब्रैक कर लिया है, वाइट कलर कर लेते हैं और यहाँ से इसका फॉन्ट हम देखते हैं कि कौन सा फॉन्ट बेटर लगेगा। सो फॉन्ट देखते हैं रिच एंड टेस्टी का, तो हम ये ले लेते हैं, इसका भी कलर हम वाइट कर लेते हैं और इसको सेंटर, इसका फॉन्ट हम चेंज करके ले लेते हैं कौन सा फॉन्ट यहाँ पर अच्छा लगेगा, इसकी प्लेसमेंट भी हम करते हैं यहाँ पे। सभी नीचे हम कर्सिव फॉन्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऊपर एक बार कर्सिव का यूज कर लिया है और यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉन्ट दूसरा यूज करेंगे। बेबस, सो बेबस की बेबसी हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है। रिच एंड टेस्टी बिस्किट्स, ठीक है। अब नीचे का जो हमारा एरिया है यहाँ पे हम मिल्क की फोटो और बिस्किट की फोटो प्लेस करके देख लेते हैं, बिस्किट देख लेते हैं हमारा कहाँ है, ये रहा बिस्किट, बिस्किट लेके आते हैं। सो ये मैंने प्रीपिक से डाउनलोड किया है, इसको करते हैं डिलीट एंड इसको करते हैं छोटा, यहाँ पे लेके आते हैं और इसको और छोटा कर लेते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि नीचे जो हमारा ये एरिया यहाँ पे हम वाइट मिल्क डिस्प्लेस और लगाएं, तो मिल्क वाली फाइल को लेके आते हैं, प्लेस करते हैं एंड इसकी प्लेसमेंट हम करके देखते हैं। हमने फ्रंट पे हमको इसमें से जो नहीं चाहिए हम उसको करेंगे रिमूव, ये नहीं चाहिए हमको मिल्क, लिखा हुआ है टैक्स मिल्क ड्रिंक मिल्क बोतल भी हमको नहीं चाहिए, डिलीट, प्रेस करते हैं, यहाँ लेके आए और इसको ऊपर किया और कंट्रोल एक्स पेन टाइप एम्प्टी कंट्रोल वी, थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ऐसा लगे दोनों साथ में, और बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वीट की पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं जो मैं अभी पहले लेके आया था और इसको लेके आते हैं, ओके। सो हमें अपने डिज़ाइन के अंदर बेसिकली प्लेसमेंट देखना पड़ेगा पिक्चरों का कि कौन सी पिक्चर ठीक लग रही है नहीं लग रही है, फॉन्ट ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं।
जब हम नया डिजाइन बनाते हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो हम उसको डिलीट भी मार सकते हैं, दूसरी पिक्चर भी ले सकते हैं। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं अपने डिजाइन के अंदर, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ में आता जाता है कि हमको किस तरह से डिजाइन बनाने हैं। सो अब मैं इस पिक्चर को पहले तो कर दूंगा बिट मैप, ऑल्ट बी कंट्रोल 300 पे इसको मैंने बिट मैप कर दिया। अब ये एक पिक्चर बन गई है जो कि पहले वेक्टर थी। इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे और इसका प्लेसमेंट कर देंगे बॉटम में, डाल दी मैंने, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे ट्राइपॉड भी ले आता हूँ, ट्राइपॉड की पिक्चर ये रही, इसको हम छोटा कर लेंगे और इसको कॉर्नर में हम प्लेस करेंगे। तो अभी इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि कलर अलग अलग दिख रहे हैं। सो ये कर दी मैंने मल्टीप्लाई और इसको पावर क्लिक करके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो इतना डिजाइन हमारा बन गया है। अभी कुछ चीज़ें हैं और जो मैं करता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को अपना लोगो जो है वो दिखाना है, मतलब ठीक ठाक दिखाई दे। तो इसमें हम ऑल्ट के साथ क्लिक आउटलाइन गायब, इफेक्ट में गए, ब्लर में गए, गॉशियन ब्लर बढ़ा दिया हमने इसको, इसको और बड़ा कर लेते हैं और पावर क्लिक, इतना बन गया है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ किरण टाइप से और पूरे सर्कल में डाल दूँ। इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी टूल, इसको हम इस तरह से ड्रैग करेंगे एंड पॉइंट लेके आएंगे यहाँ और इसको ऐसे घुमाएंगे, राइट क्लिक कंट्रोल आर। सो ये हो गया इसकी रिपीट कमांड, ठीक है, इनको कर लेंगे ग्रुप और इसका एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं और उसको कर लेते हैं हम छोटा। सो अब इसको हम देखते हैं प्लेस करके कैसा लग रहा है, करते हैं इसको थोड़ा छोटा, शिफ्ट के साथ पेज डाउन। अब हम इसमें कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। सो सिलेक्ट किया हमने ऑल्ट के साथ, कलर में गए, कलर व्यू, यहाँ किया हमने 100, यहाँ किया हमने 20%, डाउन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अभी मेरे को थोड़ा डार्क लग रहा है ये, तो हम क्या करेंगे इसमें इसमें कलर हम कर लेते हैं यहाँ पे 10% और उनको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तो कितना पार्ट आ गया हमारा, अभी हमारे पास और टेक्स्ट क्या बचा है, एक ही लाइन बची हुई है, इसको भी हम ले लेते हैं, इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पर बॉटम में। एक हम यहाँ पे बनाते हैं शेप, कलर करते हैं इसका रेड, आउटलाइन गायब, लोगों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं जो हमारा टेक्स्ट है, और कंट्रोल वी प्लेस करते हैं इस लाइन के ऊपर, छोटा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, कलर वाइट, फॉन्ट हम यहाँ पे चेंज करेंगे, देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा प्लेस कर सकते हैं। इसका बोल्ड फॉन्ट यूज कर लेते हैं,
कंट्रोल जी शिफ्ट के साथ बी प्रेस करते हैं एंड इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे 0.125 यानी कि 100 और इसको फिर ये नहीं हुआ है 0.125 पर क्या इसको हम ऊपर करते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को भी ऊपर कर लेते हैं ठीक है। सो अब ये हमारा फ्रंट बन गया है। अब इसका हम एक कॉपी करेंगे। इसमें भी एक चीज और मिस है, हम यहाँ पे वेज आइकन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वेजिटेरियन है। इसका एक डुप्लीकेट लिया, ऑल्ट के साथ में क्लिक किया और ये कर लेते हैं ग्रीन कलर। ये हमारा बन गया वेज आइकन। इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं टॉप राइट में और हम इसमें ये भी लिख देते हैं कितने पीसेस हैं इसके अंदर, 12 पीसेस। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसके बाद मैं आपको पैराग्राफ इसके अंदर किस तरह से प्लेस करना है वो बताऊँगा, जिसके अंदर कंपनी की डिटेल्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है उसको किस तरह से करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कभी कभी। सो हमारी एक साइड ये बन गई है, इसको हम कंट्रोल जी कंट्रोल सी कंट्रोल वी शिफ्ट के साथ सिलेक्शन एंड प्रेस सी ऑल्ट ई एम फिल। अभी इसको हम थोड़ा सा अपग्रेड कर लेंगे, F11 क्लिक करेंगे यहाँ और अब हम इसको कंट्रोल जी सिलेक्ट किया और यहाँ प्लेस किया शिफ्ट के साथ सिलेक्शन सी ई, इसको घुमा देंगे यहाँ से और इसी तरह से हम इसको नीचे लाएंगे ठीक है। इसको हम नीचे लेके आए कंट्रोल जी किया और इसको भी हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब बचे हैं हमारे ये वाले हिस्से, इसमें कलर फिल कर लेते हैं और डीएम कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर शिफ्ट के साथ सेंटर शिफ्ट के साथ सेंटर। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, एक तो ये जो है इसको हम डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे, ऑल्ट बी डब्ल्यू वायर फ्रेम करके देख लेते हैं, इसको डिलीट वो हमको रखने हैं, इसको डिलीट एंड इसको डिलीट ऑल्ट बी ई ठीक है। और हमको इसके अंदर इसको भी डिलीट करना है और इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है। अब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे एक काउ की पिक्चर, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ ठीक है एंड एक बॉक्स और इसको कर लेते हैं रेड एंड इसको करते हैं वाइट। काउ की मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है, उसको भी लेके आते हैं इस ओके तो वाली फोटो आ गई, काउ की फोटो ये है डिलीट, फ्री पिक से ही डाउनलोड की हुई है मैंने, इसको डिलीट सेलेक्ट किया और इसको छोटा कर इसको डिलीट नहीं करना है और इसको प्लेस करना है यहाँ। अब इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स हैं, RGB है भी, इसको हमने ब्लैक करना है। एडिट फाइंड एंड रिप्लेस रिप्लेस ऑब्जेक्ट कलर के अंदर जाकर हमको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है रिप्लेस ऑल। सो ये सारे कलर अब ब्लैक हो जाएंगे ऑटोमेटिक
तरह से हम ऑटोमेटिक कलर रिप्लेस कर सकते हैं, जो कलर हमको नहीं चाहिए उसकी जगह कोई और कलर चाहिए तो उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइज एक क्लास के अंदर आप लोग इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसको कर लेते हैं पावर के लिए F4। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट मारता हूँ, मेरे को ये नहीं चाहिए, और इसको करता हूँ मैं छोटा, और मुझे ये भी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट प्लेस करेंगे। मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ यहाँ पे, और इसको हल्का सा यहाँ से राइट कर देता हूँ। हमारे पास टेक्स्ट क्या क्या है, कंटेंट इसका अबाउट। हाँ, तो अब मैं आपको ये सिखाना चाहता था इस वीडियो के अंदर, एक बॉक्स बना लेता हूँ पहले तो मैं, इससे इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से। अब मेरे को पहले तो इसको एक एक सूट अंदर रखना है, एक सूट राइट, एक सूट यहाँ से, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर ये पैराग्राफ हम बनाएंगे, मतलब इस बॉक्स के साइज का, इससे बाहर नहीं रखना है। तो अब यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया अपना टेक्स्ट, कंट्रोल एक्स, ठीक है। ये हमारा भी फॉन्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, 8 point का फॉन्ट कर लिया मैंने, और इसको वाइट कर देते हैं। अभी इसको यहाँ से करेंगे हम फुल जस्टिफाई, ठीक है। इसको अब यहाँ से डाउन करते हैं, देखते हैं कि अभी हमारे पास और कितना यहाँ पे कंटेंट है। सो अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है हमारे पास, इसके ऊपर अभी यहाँ पे ब्रेप पैराग्राफ टेक्स्ट लगा हुआ है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब पहले तो हम थोड़ा फॉन्ट और छोटा करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो फॉन्ट छोटा किया हमने। अभी है ये फुल जस्टिफाई, और अभी सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ बॉक्स, और इसको कर लेता हूँ मैं ब्रेव, और इसको खींचते हैं, फॉन्ट और छोटा कर सकते हैं हम, 5 point का कर सकते हैं, 5 point का कर दिया मैंने। लोगो को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसकी हाइट कम करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस है यहाँ पे भी, ठीक है। एंड ऑल्ट के साथ क्लिक। अब ये जो टेक्स्ट है इसको हमको खोलना है, सो कंट्रोल टी प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, फुल जस्टिफाई, ठीक है, इनके बीच का गैप बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हमने 150 क्लिक किया, अब इनके बीच का गैप देखो काफ़ी बढ़ गया है। अब हम यहाँ से अपना फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो ये गैप आ रहा है काफ़ी, सो अब क्या करना होगा, मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया कि भाई यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए तो हमने वहाँ पर क्या किया, एक बॉक्स बना लिया और वहाँ से टेक्स्ट गायब हो गया। अभी ये जो सिमेट्री है यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है, तो अब क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे काफ़ी गैप हो गया है, तो फॉन्ट हम इसका यहाँ से बढ़ा लेते हैं पैराग्राफ के अंदर अपने। अब ये देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमने गैप फिल किया था अभी, तो यहाँ से कम कर लेते हैं, 120, 110 कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अभी यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूँ, इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। अभी अगर मेरे को ये वाला थोड़ा गैप कम करना है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, और कैरेक्टर की जो स्पेसिंग है वो हम कम करके देखते हैं। यहाँ पे
स्पेस हमको कम करना है, तो यहाँ पे हम इस तरह से क्लिक करते जाएंगे और ये स्पेस कम होता जाएगा अभी। लेकिन हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है इसमें, अब ये आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ये आपस में चिपकते जा रहे हैं, तो हमें वापस से थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, इसका जो स्पेस है वो हमें जो लगता है कि यहाँ पर ज्यादा स्पेस है उसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मान लो मेरे को अबाउट द कंपनी है इसको हाईलाइट करना है, तो एक यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ रेड और इसको करता हूँ पेज अप। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और इसको खींचते हैं यहाँ पे। अब खींचने से क्या हो रहा है, ये खींचने से क्या हो रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अलग किया मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर लेंगे। ठीक है, चला गया। अब लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स हमें अपने आप लगानी पड़ती है। अब और किया। सो अभी इस तरह से तो हमने किया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्पेस आ रहा है, तो हम एंटर मार देते हैं और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल वी शिफ्ट के साथ और इसके लेफ्ट लाइन किया हमने, इसको और बढ़ा लेते हैं, इनकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ। इसको डिलीट किया, इसको थोड़ा सा छोटा किया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसके बहुत नज़दीक जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग इसको नीचे करने की कोशिश करेंगे। अब वो देखो कैसे करते हैं, यहाँ से हम कर रहे हैं तो ये सारा नीचे जा रहा है, और ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ से नीचे जा रहा है, अब ये आपस में नहीं मिल रहा है। इस तरह से हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और अब ये गैप जो इतना सारा इसमें गैप दिख रहा है वो भी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके गैप को हम ट्राई करते हैं कि कम करें। तो इस तरह से हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये काफ़ी नीचे आ गया टेक्स्ट हमारा। सो अब हम इस स्पेस को कम करते हैं, जो बीच वाला स्पेस, यहाँ हम क्लिक करते जाएंगे, इनके जो बीच का स्पेस है वो कम होता जाएगा। एंटर मार लेते हैं, बैक स्पेस करते हैं, बैक स्पेस किया हमने, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। टेक्स्ट की सेटिंग के साथ साथ, पैराग्राफ सेटिंग के साथ साथ आपने सीखा कि डिज़ाइन भी किस तरह से बना सकते हैं, पिक्चर प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इस एक क्लास के अंदर आप लोगों ने दो चीज़ों को सीख लिया है। ठीक है, अब मान लो ये टेक्स्ट है, पीछे मैं एक पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल वी ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, और 2x3 एंटर, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको खोल लेते हैं और इसको बड़ा करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से 12 पॉइंट करके। सो अभी आप लोग देख रहे होंगे इसके अंदर कि ये जो रेड लाइन है ये आ रही है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ना अभी टेक्स्ट है। जब हम इसको नीचे खोलेंगे तो आप लोग देखेंगे ये टेक्स्ट है। अब जब ये पूरा खुल जाएगा तो रेड लाइन अपने आप गायब हो जाएगी। ठीक है, अब ये रेड लाइन चली गई, कंट्रोल जेड। अब मान लो कि यहाँ तक हमें टेक्स्ट लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करना है, तो ऐसे करने के बाद यहाँ से कट पेस्ट नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू पेज लेना है और क्लिक करना है।
पेज लिया और क्लिक किया, टेक्स्ट यहाँ आ गया। अभी रेड लाइन दिखा रहा है यानी कि अभी भी टेक्स्ट है। एक पेज लिया हमने, एक पेज लिया और फिर से यहाँ क्लिक किया, अभी भी रेड दिखा रहा है। फिर से हमने क्लिक किया और एक पेज लिया और क्लिक कर दिया, यानी कि अभी यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं है। सो अब इसको खींच के देखते हैं, हाँ यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं है, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेस आ रहा था इसलिए वो रेड दिखा रहा था। अब ये सारे आपस में कनेक्ट हैं। अब मैं जो चेंज यहाँ पे करूँगा ऑटोमेटिक पीछे वाले पेजों पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्पेस डिलीट मारता हूँ ऊपर वाला, तो एक लाइन पीछे वाले पेज की यहाँ आ जाएगी। इसको यहाँ जीरो, ठीक है। अब पीछे वाले पेज की एक लाइन यहाँ आ गई। इसी तरह से जो भी पेजेस पीछे थे उनका मैटर अगले पेज पे शिफ्ट हो गया। सो गाइज ये था तरीका पैराग्राफ सेटिंग करने का, जो कि मैंने आपको बताया है। और टाइप सेटिंग भी इसको बोलते हैं, पैराग्राफ सेटिंग भी इसी को बोलते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये डिजाइन बनाना सिखा दिया। सो गाइज अब मिलेंगे अगली क्लास में।